हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आज है 18 जुलाई और शाम का टाइम है। और आप लुक देख के समझ सकते हो कि भाई डिलीवरी होगी है, और मैंने बता भी दी थी। लेकिन बहुत बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब एक बार बता दो बेबी बॉय हुआ या गर्ल हुई। तो बहुत सारे कमेंट्स पॉजिटिव में भी हैं और हद से ज़्यादा नेगेटिव। तो अभी मैं चाह नहीं रही थी कि मैं कोई व्लॉग वीडियो बनाऊं, क्योंकि भाई ये टाइम ऐसा होता है, हर एक चीज़ का टाइम होता है जब हमें कुछ शेयर करना होता है। और इस हालत में मतलब जापे में कम से कम हफ्ता 10 दिन कम से कम तो फ़ोन वगैरह दूर ही रहता है। तो कई कह रहे कि पोस्ट डाल रहे हैं, एक पोस्ट डाल के बता दो ये, तो सबके जवाब दूंगी। तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जो कि मेरा लिंक पे ये जो। तो भाई मैंने सोचा एक बार आपके साथ पहले शेयर कर देती हूँ। मेरा लिंक पे साड़ीज़ की अपडेट आई हुई थी, जिस जो कि बहुत ही भारी डिस्काउंट के साथ थे। तो आप प्राइस देख सकते हैं, डिस्काउंट देख सकते हैं। और ये देखिए, कलर बहुत ही प्यारे प्यारे थे, लाइट ग्रीन सॉफ्ट नेट की साड़ियाँ, और सिफोन प्रिंटेड साड़ी, एम्ब्रॉयडरी वर्क साड़ी, हैंड वर्क साड़ी। तो बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ थी। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों के साथ ये तो शेयर करना बनता ही है। तो मेरे लिंक पे थी ये। हाँ, तो भाई ये मेरा लिंक पे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ आई हुई हैं, मतलब अपडेट हुई थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अगर किसी को परचेज करनी है, कोई इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके और विजिट कर सकते हो। बहुत ही भारी डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर चेक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप परचेज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि भाई वीडियो क्यों नहीं डाल रही मैं, मतलब पोस्ट डाल के क्यों नहीं बता रही। तो भाई हर एक व्लॉगर का ये होता है कि वो अपनी जो भी खुशी है वो एज व्लॉग के ज़रिए शेयर करे। तो हम कोई पोस्ट तो डाल के बता नहीं सकते, क्योंकि बता सकते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, क्यों? हम व्लॉगर हैं, और अगर हम पोस्ट डाल के अगर अपनी सारी बात नॉर्मली बता दी तो फिर हमारे व्लॉगर होने का क्या फ़ायदा भाई। फिर तो हम ऐसे ही ना फेसबुक इंस्टा पे नॉर्मल पोस्ट डाल दी तो फिर हमारा फ़ायदा क्या। कईयों के कमेंट्स थे, अगर मैं कमेंट्स की बात करूं कि मतलब आप एक पोस्ट डाल के तो बता सकते हो, क्या तुम ही माँ बनी हो? तो भी मेरे लिए तो मैं ही बनी हूँ। और बात रही बात, लोगों की मानसिकता बहुत देखने को मिली मैंने यहाँ पर कमेंट्स के ज़रिए भी। और कमेंट्स के ज़रिए बताती हूँ मैं आपको, लोगों की इतनी गंदी मानसिकता देखने को मिली है लेडीज़ की। जेंट्स इस बारे में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ लेडीज़ इतनी घटिया सोच होती है उनकी कि मतलब सब्सक्राइबर के चक्कर में ये बता नहीं रही, सस्पेंस क्रिएट कर रही है। तो कोई सस्पेंस नहीं होता, जो होता है वो सबके सामने आता है। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि मतलब वो अभी अभी, क्योंकि पब्लिक में सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग होते हैं, और हर चीज़ एकदम से बताना तो हाई लगना, जिसको बोलते हैं नज़र लगना, नज़र तो नुकाया करे, पत्थर ने भी पाड़ दिया करे। तो अब मैं आपको बताऊं, मुझे बेबी गर्ल हुई है तो लोग ऐसे बोलेंगे, हाँ छोरी होगी, एक पहले थी हाय। अगर मैं बोलूँ आपको बेबी बॉय हुआ तो कुछ लोगों को खुशी होगी, लेकिन कुछ लोग जो हेटर हैं उनको दुख भी होगा कि मतलब छोरा हो गया, नू हो गया। तो हर तरह के लोग होते हैं। और एक यूट्यूबर होने से पहले एक मैं माँ हूँ, तो मैं नहीं चाहती भी मेरे बच्चे पे किसी भी तरह की हाई पड़े। और हर तरह की सिचुएशन होती है। एक व्लॉगर ये नहीं कि मतलब कईयों के कमेंट्स क्या थे कि ये फ्रूट तक दिखा देती है, हालांकि उन्होंने डिलीट कर दी वो, लेकिन मुझे दिख जाते जो कमेंट एक बार आया मेरे पास कि फ्रूट तक दिखा देती है ये, पर्सनल लाइफ तो क्या एक पोस्ट डाल के नहीं बता सकती। हाँ नहीं बता सकती भाई, हर किसी की प्राइवेसी होती है लाइफ की, वो खुद की मर्जी होती है। आप लोग तो 70 यूट्यूबर्स को देखते हो, दिन में तुम्हारा काम ही क्या है?
यूट्यूबर्स को देखना, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मतलब ये दोगलापन होता है। ठीक है, हम मोटिवेट करते हैं एज ए व्लॉगर, हम आप लोगों को, आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, हम आपको कि अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग के लिए हम कठपुतली हैं कि जो आप बोलोगे। कई कह रहे कि ये ना सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में ऐसा कुछ कर रही है, तो भाई इससे कैसे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, इससे तो घटेंगे, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैं जो हूँ सो हूँ, जो मुझे दिखाना है वो मैं दिखाऊंगी, मैंने व्लॉग बना रखे हैं, मैं एज ए व्लॉग आपको के साथ शेयर करना चाहती थी तो। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ना, हर किसी के नहीं है, जिनके नेगेटिव है, एक प्रीति यादव, निशा यादव, मेनका भट्टी, कुछ लोगों ने इतना, एक रॉयल म्यूजिक इतना गंद मचा रखा ना कि मतलब बातों बातों में, कि मतलब सीरियल वाले भी इतना सस्पेंस क्रिएट नहीं करते, वो सीरियल वाले हैं, ये रियल लाइफ है, वो सीरियल का चक्कर, ये सीरियल नहीं होती, ये रियल लाइफ होती है। या कल को कोई को, कुछ हो जाए, मतलब बेबी को नज़र लग जाए, या बातों की किसी की हाय पड़ जाए, तो तुम लोग थोड़ी आओगे, तुम तो देख रहे हो बस, आप लोगों को तो एक न्यूज़ मिलनी है, आपके लिए न्यूज़ या हमारे लिए वो लाइफ है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी लाइफ है पूरी ज़िंदगी, तो अपना जीवन हम कैसे जी रहे हैं वो हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन टाइम जैसे होता है ना उसके अकॉर्डिंगली हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ भी बोलोगे आप। हालांकि मैं इग्नोर करती रही कई दिन से, कई दिन तो मैंने फ़ोन ही नहीं चलाया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरे रियल फैन हैं उनके जो कमेंट्स हैं उनका भी जिक्र करूँगी। लेकिन ये देखो उस दिन तो हम फ़ोन चलाते नहीं, ये नहीं कि हमारे यहाँ ये रिवाज, हर जगह ये रिवाज होते हैं भी हफ्ता 10 दिन कम से कम तो मतलब फ़ोन से दूर रहते हैं। मैं भी 1-2 दिन से ही चलाने लगी हूँ, पोस्ट मैंने डाली थी। हर किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग होती है, ये नहीं होता कि मतलब मुँह उठा के थाम के मैं कह दोगे और हम वही चीज़ घेर देंगे, और हाँ भाई फलाना फलाना डिगड़े डिगड़े दिन डिलीवरी हुई है, डिगड़े डिगड़े दिन यूँ बालक होया ना। हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ की वैल्यू होती है। ठीक है, सस्पेंस का मतलब ये नहीं हम सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा वेट भी करना चाहिए, और रियलिटी जो रियल लाइफ होती है ना वो एक सीरियल नहीं होती, जो आप लोग बोल रहे सीरियल में भी इतना सस्पेंस नहीं होता, रियल लाइफ होती है, आप लोगों की नहीं होगी हमारी है। और एक नई माँ बनने के बाद एक लेडीज़ का खुद का जन्म होता है, हर तरह की सिचुएशन से वो बाहर निकलती है। क्या पता तुम्हें अगर मैं कैसी सिचुएशन में हूँ, ऐसे मुँह उठा के कुछ भी बोल दे रहे हो आप लोग, ये देखा करो भाई बंदा क्या पता किस सिचुएशन में है, क्या बात है, क्यों वो नहीं कर रहा, कुछ दिन तो नेटवर्क ही नहीं था वो, क्या पता मेरा नेट खत्म हो रखा हो, क्या पता मैं वाईफाई यूज़ कर रही हूँ, क्या पता कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को तो बस जानने से मतलब है कि क्या कुछ हुआ, एज ए पोस्ट डाल के बता दी, तो हर चीज़ पोस्ट के जरिए नहीं शेयर की जाती, हम ब्लॉगर हैं तो ब्लॉग के जरिए ही शेयर करते। हालांकि आज मैं ये ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ कमेंट्स से मुझे मिले तो इसलिए। तो भाई कोई आ गया था और ज़्यादा देर बैठ कर मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, इसलिए तो कहाँ थी मैं थी नेगेटिव कमेंट्स पे। और कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि इतना ईगो है, इतने तो बड़े यूट्यूबर्स में भी नहीं होता। तो भाई मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, और ना ही मैं ये कह रही कि मतलब ईगो दिखा रही हूँ मैं, ना तो कोई ईगो है, बस एक जो अपनी लाइफ की प्राइवेसी होती है ना, मतलब कुछ ही टाइम तक होती है ये बातें, उसके बाद तो फिर भाई हम आप लोगों के साथ साझा कर ही सकते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कब डिलीवरी होने वाली, कब क्या, हर चीज़ बता दी थी, लेकिन फिर भी लोगों को ये लग रहा है कि मतलब ये ईगो दिखा रही है, तो जिनको लग रहा है तो वो अन कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, क्योंकि ये बेफालतू के लोग होते हैं जो आते हैं चैनल पे, एक बार देखते हैं क्या कुछ है इसकी लाइफ में, मतलब स्वादु, जिसने आपा कह दिया सीधी भाषा में, देसी भाषा में, ये स्वादु लोग हुए हैं, इन किसी की लाइफ स्टाइल तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर मतलब होता तो ये पूरे व्लॉग्स देखती, लेकिन इनको चाहिए बस न्यूज़, सिर्फ मसाला क्या कुछ हो रहा है इसकी लाइफ में, तो बस ऐसे लोगों की मुझे भी जरूरत नहीं है,
और ये कोई ईगो नहीं है, ये रियलिटी है कि मतलब हम रही बात जो असली हैं जो मेरे फैम वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो ये सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भाई अपना ख्याल रखना, बेबी का ख्याल रखना। तो उन लोगों के लिए बता दो भाई जच्चा बच्चा एकदम राजी खुशी। और अच्छा आपको उन लोगों से पूछ रही हूँ मैं जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं, जिनको मतलब पहले हमारी हेल्थ की चिंता है उसके बाद ये आता है कि हाँ भाई लड़का कई 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 क्या कह रहे हैं, मानसिकता देखो लोगों की किसको ना लड़की हुई होगी इसीलिए नहीं बता रही। तो भाई क्यों लड़की बिना दर्दा के पैदा हुआ है उसके बारे में नहीं बता सकते, कितनी गंदी सोच है लोगों की। हाँ मतलब हद से ज़्यादा मतलब सोचने पर मजबूर कर देती है ऐसी बातें, क्यों लड़कियाँ क्या बिना दर्द के पैदा होती हैं और लड़के कौन से चोटी में धार मार दे भाई चल भाई या ये लगा ली। तो अपनी सोच को ना थोड़ा सा दिखाया करो, ये लोग होते हैं सिर्फ कमेंट तक ही रहते हैं, इन इनकी लाइफ में और कुछ नहीं होता, ये हर किसी के व्लॉग्स में जागते हैं थोड़ा बहुत देखते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं। असर किस पे पड़ता है, जो वीडियो बना रहा है जो व्लॉग बना रहा है वो पढ़ते हैं, उनको ये लगता है कि भाई ये असली मतलब ये मेरे फैम है इनको दुख दिल दुख रहा है, ये कुछ नहीं दुखता इनका, ये बस स्वादु लोग हुए हैं और इनकी सिर्फ नकली इतने होते हैं, ये इतने नकली मतलब इतनी घटिया सोच होती है, इनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि सामने वाला मतलब जो वीडियो डाल रहा है उन पे क्या असर पड़ेगा, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, कितना फील करेगा वो करेगी करेगा। तो सोच को ना थोड़ा दबा के रखो, क्योंकि मैं किसी की सोच से प्रभावित नहीं हो रही, आप मैं व्लॉगर हूँ आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हो तो आप मुझसे प्रभावित हो मानती हूँ, लेकिन आप लोगों का ये हक नहीं बनता कि किसी की लाइफ में जा के ऐसे माना हम व्लॉगर अपनी लाइफ स्टाइल शेयर कर रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब कुछ भी भोग दोगे आके। और जो मेरे रियल फैम है उनको मैं बता दूँ, अच्छा आपको क्या लगता है जो मतलब मेरे रियल फैम लड़का है या लड़की, बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय, मुझे कॉमेंट करके बताना। और आपको क्या लगता है कि मतलब सिजेरियन से हुई है या फिर नॉर्मल, क्योंकि बेबी डिलीवरी हुई थी मेरी 10 जुलाई को और 9 को हम गए थे हॉस्पिटल, और 9 का व्लॉग मतलब उस दिन हमारे घर में प्रोग्राम था और हम गए हुए थे, आए तो मतलब एकदम वो सारा मैंने व्लॉग शूट कर रखा है और उसके बाद फिर लेबर रूम में वो हर एक मोमेंट को मैंने जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैंने रिकॉर्ड किया है, मतलब वीडियो जहाँ तक जैसा भी हुआ मैंने व्लॉग बनाए हैं और अपनी मेहनत को भी मैं बेकार नहीं जाने दे सकती, इसलिए मैं धीरे धीरे व्लॉग डालूंगी। और एकदम से हर चीज़ का टाइम होता है, एकदम से हर चीज़ वो हर एक बात मैं नहीं बता सकती, तो धीरे धीरे डालूंगी। हालांकि इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, बस 2-3 वीडियो रहती हैं, उसके बाद रेगुलर वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगी। और आपके कमेंट्स का, प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, तो आप वीडियो देख के कंप्लीट वीडियो देख के अपनी राय जरूर दिया करो। और एक सोनिया मलिक है जो मेरे सब्सक्राइबर है और जिसकी डिलीवरी मेरे साथ हुई थी पहले जब उर्वी पैदा हुई थी ना पीजीआई में, तो वो भी मेरे साथ थी, तो वो समझ रही है मेरी हर बात को, तो बहन थैंक यू इतना समझने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, आप हमारी मतलब फिक्र करते हो, केयर करते हो, आपको हम आप हमें समझते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो बकवास करते हैं उनको मैं इग्नोर करती हूँ और बेमतलब में वो अपने बेहुदा कमेंट्स ना करें, क्योंकि इससे कोई असर पड़ने वाला है नहीं। अगर आपको देखना है वीडियो तो देख लीजिए, ना इतना ज़रूरी नहीं है कि भाई आप लोगों के कई बोलते हैं हमारे होने से ही हमारे देखने से ही आपका चैनल चला हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है होता कि मतलब आप कुछ भी बोलोगे और हम कुछ भी सुनेंगे। तो हर किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, सिर्फ कैमरे के सामने हम स्माइल करके कुछ भी कह देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ में मतलब हर सिचुएशन आप के सामने शेयर कर रहे हैं, हो सकता है इस स्माइल के पीछे कुछ दुख हो सकता है कि मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो हमारे लेकिन हम सो नहीं कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब 2 मिनट 10 मिनट की वीडियो को देख के आप हमारी पूरी लाइफ को नहीं पहचान सकते और ना ही जान सकते। और रही बात अन करने की, तो
वो आपकी मर्जी होती है, आप में देखना पसंद करते हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं देखना पसंद करते तो हम किसी को हाथ पकड़ के जबरदस्ती तो करते नहीं। और डेली व्लॉग सब आने शुरू हो जाएंगे, एक दो दिन की बात है, और बहुत अच्छा व्लॉग आएगा भी जो कल का, हालांकि वो आज डालने वाली थी लेकिन मजबूरी में मुझे ये आज की व्लॉग वीडियो बनानी पड़ी। हालांकि मैं भी खुद कैमरे के सामने अभी आना नहीं चाहती थी क्योंकि भाई जच्चा का भी ऐसा एक काम हुआ है, और जैसे बच्चे का काम होता है मतलब एक नया जन्म होता है औरत का, जो समझदार हैं वो समझते भी हैं। और क्या बोलते बोलते मतलब मेरा ना टेंशन हो जाती है भाई, कोई ऐसे बोलता है ना कुछ भी बकवास करके चला जाए और हम कितना इग्नोर करें, कितने को हम मतलब ये सोचे भोग के जाने दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं होता सहन। तो बस तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो पे जो मेरी बात से सहमत है वो ज़रूर कमेंट करके बताना, और जो ना सहमत है वो अपनी बकवास को दूर रखें, अच्छी बात कह सकते हो तो मोस्ट वेलकम एंड ना तो प्लीज़ कीप डिस्टेंस। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।